हेलो फ्रेंड्स, सो इस वीडियो में हम 2018 में जो सेकेंड सेटिंग में सोशल साइंस के एग्ज़ाम में जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे गए थे उसका सलूशन देख रहे हैं। ओके, तो इसका सलूशन देखने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि 2018 में जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे गए थे, यदि आप उन सब के सलूशन देखना चाहते हो तो मेरे यूट्यूब चैनल पर एक प्लेलिस्ट बना रखा है जिसका नाम मैंने रखा है क्लास 10th सोशल साइंस क्वेश्चन बैंक 2018। ओके, तो आप मेरे चैनल पे जाओ और इसको एक्सेस करोगे तो इसके अंदर 2018 में जितने भी फर्स्ट सेटिंग, सेकंड सेटिंग, सेकंड सेटिंग से में भी अदर कोई और सेट वाला क्वेश्चन बैंक होगा तो वो सारी चीज़ें आपको इस प्लेलिस्ट में मिल जाएगी। ओके, तो चलिए वीडियो को करते हैं शुरू और सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, ब्रेस्ट लिटोवस्क की संधि किस देश के बीच हुई थी। सबसे पहला क्वेश्चन, ब्रेस्ट लिटोवस्क की संधि किस देशों के बीच हुई थी। रूस और जर्मनी के बीच। ओके, रूस और जर्मनी के बीच ब्रेस्ट लिटोवस्क की संधि हुई थी। सेकेंड नंबर क्वेश्चन देखते हैं, मार्च 1946 ईस्वी में फ्रांस तथा वियतनाम के बीच होने वाला समझौता किस नाम से जाना जाता है। तिनतिन, कॉटन, होचिमिन, इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। पूर्ण स्वराज की मांग का प्रस्ताव कांग्रेस के किस वार्षिक अधिवेशन में पारित हुआ था, 1929 लाहौर में। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं, वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किस किसान आंदोलन के दौरान दी गई थी। ओके, इसका आंसर हो जाएगा बारदोली। बारदोली किसान आंदोलन के दौरान वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि दी गई थी। 5th नंबर क्वेश्चन देखते हैं, भारत के लिए पहला फैक्ट्री एक्ट कब पारित हुआ था। भारत के लिए पहला फैक्ट्री एक्ट 1881 ईस्वी में पारित हुआ था। 6th नंबर क्वेश्चन देखते हैं, 6th नंबर क्वेश्चन होगा, पूंजीपति वर्ग के द्वारा किस वर्ग का शोषण हुआ। मध्यम वर्ग, श्रमिक वर्ग, कृषि वर्ग, सभी वर्ग। तो पूंजीपति जो लोग थे, यानी कि काफ़ी जो अमीर लोग थे, जो वर्ग काफ़ी पावर में थी, उन्होंने क्या किया, अपने से कम पावर का शोषण किया, जिसमें श्रमिक लोग आते हैं, मध्यम वर्ग लोग भी आते हैं और कृषक वर्ग भी आते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा सभी वर्ग के लिए। तो पूंजीपतियों ने लगभग सभी वर्ग के लोगों का शोषण किया। आधुनिक युग में अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में होने वाले सबसे बड़ी क्रांति कौन सी थी। आधुनिक युग में अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में होने वाला सबसे क्रांति चीज़ जो है औद्योगिक क्रांति। भूमंडलीयकरण की शुरुआत किस दशक में हुई। भूमंडलीयकरण की शुरुआत जो है 1980 के दशक में हुई थी। 1980 के दशक में गुटेनबर्ग में सर्वप्रथम किस पुस्तक की छपाई की, बाइबल की। गुटेनबर्ग में सर्वप्रथम जो है बाइबल की छपाई हुई थी। विश्व में सर्वप्रथम मुद्रण की शुरुआत कहाँ हुई थी। विश्व में सर्वप्रथम जो है मुद्रण की शुरुआत चीन में हुई थी। मेंढक के प्रजनन प्रक्रिया को बाधित करने वाला रसायन कौन सा है। मेंढक के प्रजनन प्रतिक्रिया को बाधित करने वाला एंड्रीन नाम का जो एक रसायन है, ये मेंढक के प्रजनन की प्रक्रिया को बाधित कर देता है, एंड्रीन। बिहार में अति जल दोहन से भूमिगत जल में किस तत्व का संकेंद्रण बढ़ा है। बिहार में अति जल दोहन से भूमिगत जल में किस तत्व का संकेंद्रण बढ़ा है, इसका आंसर हो जाएगा आपका आर्सेनिक। संविधान की धारा 21 का संबंध है। संविधान की धारा 21 का जो संबंध है वो है वन्य जीवों तथा प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण से। 14 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, बिहार के कितने प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्र में वन का फैलाव है। बिहार के 7% भौगोलिक क्षेत्र में वन का फैलाव है। कितना प्रतिशत, 7%। एल्युमिनियम बनाने के लिए किस खनिज की आवश्यकता पड़ती है। एल्युमिनियम बनाने के लिए कौन सी खनिज की आवश्यकता पड़ती है, जो है बॉक्साइट। एल्युमिनियम बनाने के लिए हमें बॉक्साइट की ज़रूरत पड़ती है। भारत के किन राज्यों में
सौर ऊर्जा का विकास की सर्वाधिक संभावना है? भारत के किस राज्य में सौर ऊर्जा के विकास की सर्वाधिक संभावना है? तो इसका आंसर हो जाएगा राजस्थान, क्योंकि राजस्थान क्या है, एक मरुस्थल है जहाँ पे सिर्फ रेत ही रेत है एंड वहाँ पे गर्मी काफ़ी पड़ती है, तो यहाँ पे सौर ऊर्जा के विकास का सर्वाधिक संभावना है। 17 नंबर, निम्नलिखित में से कौन छोटे पैमाने का उद्योग है? चीनी उद्योग, कागज़ उद्योग, विद्युत उपकरण उद्योग, खिलौना उद्योग। इसका आंसर हो जाएगा खिलौना उद्योग। 18, देश में कितने विशेष आर्थिक क्षेत्र विकसित हैं? देश में कितने विशेष आर्थिक क्षेत्र विकसित हैं? 10। बिहार की सीमा में रेलमार्ग की कुल लंबाई कितनी है? बिहार की सीमा में जो है रेलमार्ग की जो कुल लंबाई है वो है 6,283 किलोमीटर का। तल चिन्ह की सहायता से किसी स्थान की मापी गई ऊंचाई को क्या कहा जाता है? तल चिन्ह की, उसको हम कहते हैं स्थानिक ऊंचाई। ओके, तल चिन्ह की सहायता से किसी स्थान के मापी ऊंचाई को हम क्या कहते हैं? स्थानिक ऊंचाई। ट्वेंटी वन नंबर क्वेश्चन, जब हम लैंगिक विभाजन की बात करते हैं तो हमारा अभिप्राय होता है, जब हम लैंगिक विभाजन की बात करते हैं तो हमारा अभिप्राय होता है समाज द्वारा स्त्रियों और पुरुषों को दी गई असमान भूमिका है। ओके, 22 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 22 नंबर क्वेश्चन क्या है, भारतीय संविधान के बारे में इनमें से कौन सा कथन सही है? यह धर्म के आधार पर भेदभाव की मनाही करता है, यह धर्म के राजकीय धर्म बनाता है, लोगों को कोई भी धर्म मानने की आज़ादी नहीं है, महिलाओं को मतदान के अधिकार का अभाव। इसका हो जाएगा ए, यह धर्म के आधार पर भेदभाव की मनाही करता है। सत्ता में साझेदारी सही है क्योंकि, सत्ता में साझेदारी सही है क्योंकि यह विविधता को अपने में समेट लेता है, यह विविधता को अपने में समेट लेता है। वर्ष 1975 ईस्वी में भारतीय राजनीति में किस लिए जाना जाता है? 1975 में जो है वर्ष 1975 भारतीय राजनीति में जाना जाता है क्योंकि 1975 ईस्वी में क्या हुआ था, देश में आपातकाल लागू हुआ था। बिहार में संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व निम्नलिखित में से किसने किया था? बिहार में संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व निम्नलिखित में से किसने किया था? जयप्रकाश नारायण ने बिहार में संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व किया था। 26, नर्मदा घाटी परियोजना किन राज्यों से संबंधित है? नर्मदा घाटी परियोजना जो है गुजरात, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश से संबंधित है। 27, निम्नलिखित में से किसे लोकतंत्र का प्राण माना जाता है? राजनीतिक दल को क्या लोकतंत्र का प्राण माना जाता है? दल बदल कानून निम्नलिखित में से किस पर लागू होता है? दल बदल कानून जो है वो लागू होता है सांसदों और विधायकों पे। जनता दल यूनाइटेड पार्टी का गठन कब हुआ था? 29 नंबर, जनता दल यूनाइटेड पार्टी का गठन कब हुआ था? 1999 ईस्वी में। जनता दल यूनाइटेड पार्टी का गठन हुआ था 1991 ईस्वी में। निम्न में से कौन अर्थव्यवस्था के प्राथमिक क्षेत्र में सम्मिलित है? क्वेश्चन नंबर 30, सेवा क्षेत्र में, औद्योगिक क्षेत्र में, इनमें से कोई नहीं, कृषि के क्षेत्र में। तो इसका आंसर हो जाएगा कृषि क्षेत्र में। जिस देश की प्रति व्यक्ति आय अधिक होती है वह देश कहलाता है। ओके, तो जिस देश के लोगों की इनकम ज़्यादा होगी उसको हम क्या बोलेंगे, उस देश को विकसित बोलेंगे। ठीक है, बिहार के किस जिले के प्रति व्यक्ति आय अधिक सर्वाधिक है? बिहार में कौन सा जिला है जिनकी आय पर व्यक्ति, मतलब हर एक व्यक्ति की आय जो सबसे अधिक है वो है आपका पटना।
ठीक है। भारत का केंद्रीय बैंक कौन सा है? भारत का केंद्रीय बैंक कौन सा है? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, पंजाब नेशनल बैंक। इसका आंसर हो जाएगा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ए। 35 नंबर, व्यावसायिक बैंकों का सर्वप्रथम राष्ट्रीयकरण कब किया गया था? व्यावसायिक बैंकों का सर्वप्रथम राष्ट्रीयकरण जो है 1969 में किया गया था, 1969। ऊर्जा के मुख्य स्रोत क्या है? ऊर्जा के मुख्य स्रोत क्या हैं? कोयला, पेट्रोलियम, विद्युत, ये तीनों ही ऊर्जा के मुख्य स्रोत हैं, तो इसमें हो जाएगा इनमें से सभी। 36, इनमें से कौन सा बहुराष्ट्रीय कंपनी है? फोर्ड मोटर्स, सैमसंग कोलकाता, सॉरी कोका कोला, तो इसका आंसर हो जाएगा इनमें से सभी। ये सारे जो है बहुराष्ट्रीय कंपनियां हैं, ये पूरे विश्व में ऑपरेट करती है। क्वेश्चन नंबर 37 देखते हैं, उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? उपभोक्ता अधिकार दिवस जो है 15 मार्च को मनाया जाता है। यदि किसी वस्तु या सेवा का मूल्य 20 लाख से अधिक तथा 1 करोड़ से कम है तो उपभोक्ता कहाँ शिकायत कर सकता है? यदि किसी वस्तु या सेवा का मूल्य 20 लाख से अधिक या 1 करोड़ से कम है तो उपभोक्ता कहाँ शिकायत कर सकता है? वो जो इसका आंसर हो जाएगा बी, राज्य आयोग में ये शिकायत कर सकता है। सुनामी का प्रमुख कारण क्या है? सुनामी का प्रमुख कारण होता है समुद्र में भूकंप का आना। तो इसका आंसर हो जाएगा समुद्र में भूकंप का आना। भूकंप केंद्र के ऊर्ध्वाधर पृथ्वी पर स्थित केंद्रों को क्या कहा जाता है? 40 नंबर का जो आंसर है इसका हो जाएगा अधिकेंद्र। भूकंप केंद्र के ऊर्ध्वाधर पृथ्वी पर स्थित केंद्र को हम अधिकेंद्र कहते हैं। क्या कहते हैं? अधिकेंद्र। इस वीडियो में हमने 40 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखे हैं एंड आई होप कि ये सारे वीडियोस आपको हेल्प करेंगे एंड आप अपने एग्जाम में अच्छा कर पाओ। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट ट्यूटोरियल में। थैंक यू।